हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका पीयूष पांडे। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि संगम के पूरी सीरीज लेकर आनी है चोलाज की। तो चोलाज की से पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा संगम पीरियड के बारे में जानते हैं। देखिए, क्योंकि यल्ली चोला के बारे में ना, जो पहले वाले चोला था ना, उनका के बारे में ज्ञान जो हमें मिलता है ना, एक ये भी है संगम एरा से, संगम की किताबें, संगम की साहित्य लिटरेचर उनकी। तो हम इसको पहले संगम होता क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम आज समझते हैं संगम। देखिए, साउथ इंडिया दक्षिण भारत का इतिहास आप समझ जाइए, आपको समझ में, कुछ लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है इन चीज़ों में, लेकिन थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। आज आप पूरी तरह समझ जाएंगे साउथ इंडिया का इतिहास कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, संगम लिटरेचर, संगम एरा और संगम काल। पहला ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है संगम। संगम स्टार्ट होता है आपके 300 BC से 300 AD तक। BC का मतलब ईसा पूर्व, AD का मतलब ईसा पूर्व के बाद, ईसा जो बोलते हैं। तो देखिए, ये 600 साल का संगम पीरियड जो है वो 600 साल का है। तो हम देखते हैं इसमें संगम पहले होता क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि संगम क्या होता है, और लेमन लैंग्वेज में समझेंगे दोस्त, बड़े आसानी से समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए, मैंने कल बताया था आपको कि जैसे बुद्धिज्म की जो काउंसिल संगति होती थी, वैसे ही ये संगम की जो है ना, वैसे ही देखिए, संगम का मतलब ही होता है संघ। संगम का मतलब होता है संघ, मतलब जैसे नहीं बोलते हैं दो नदियों का संगम मिलना, तो यहाँ पर कौन मिल रहा है, यहाँ पर कवि लोग मिल रहे हैं, साहित्यकार मिल रहे हैं। तो जो पहला संगम हुआ था दोस्तों, वो हुआ था मदुरई में। अब देखिए, मदुरई कहाँ है, कल का जो आपको आपको मैप जो समझाया था, मदुरई देखिए पांड्या, जो नीचे दक्षिण भारत तमिलनाडु का जो पार्ट है उसमें पांड्या थे। तो हमने कल बताया था ना, तीन राजा के बारे में हमें ज्ञान है संगम से, कौन कौन सा, चेरा, पांड्या और चोल। तो पांड्या राज में इन्होंने स्टार्ट किया था, पांड्या राजाओं ने इस संगम को लेकर आए थे। तो पहला जो संगम होता है वो होता है मदुरई में, और उस समय कौन था, अगस्त्य। अगस्त्य के बारे में, अगस्त्य ऋषि के बारे में लोग आप लोग जानते ही होंगे, रामायण वामायण में पढ़े होंगे दोस्तों। तो अगस्त्य ऋषि, और इसमें कहा जाता है इस संगम में ना कि देवताओं ने भाग लिया था, ऋषियों ने भाग लिया था, देवताओं ने भाग लिया था। पहला जो संगम होती है वो मदुरई में, दूसरा संगम होती है कपाटपुरम में, जो भी अगस्त्य जो थे ना वही थे, उन्हीं में, उन्हीं के उसमें होती है। और तीसरा जो संगम होता है वो फिर मदुरई में होती है, और नकिरार जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। देखिए, इसमें ना बहुत सारे लिटरेचर, देखिए एक दक्षिण भारत और उत्तरी भारत को हम थोड़ा सा मिलाते हैं। देखिए, दक्षिणी भारत और उत्तर भारत में, जैसे उत्तर भारत में हम देखेंगे ना, जैसे वेद का वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाकाव्य में आप देखेंगे महाभारत और रामायण, वैसे ही हम देखते हैं दक्षिण भारत में ऐसे ही महाकाव्य और साहित्य जो है ना वो इस संगम पीरियड में लिखा गया था दोस्तों। तो सबसे पहले जो लिखा गया था, देखिए ये है लिटरेचर, ये है साहित्य। तो ये देखिए चार वेद है ना हमारा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वैसे ही दोस्तों संगम में ये चार लिटरेचर है, चार साहित्य है। देखिए इसका नाम, देखिए याद करना है नाम, बड़ी लोग ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बोल नहीं पाते हैं इस नामों को। देखिए बहुत आसान है इस नाम को बोलना, और इसको तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। तो पहला नाम था तोलकप्पियम, ये पहला जो लिटरेचर था ना, ये आपको बता रहा हूँ, ये जो पहला जो साहित्य था ये सेकेंड संगम में, सेकेंड संगम में ये बना था। ये ग्रामर बुक है दोस्तों, क्या है, ग्रामर बुक है। ग्रामर बुक का मतलब दोस्तों व्याकरण की किताबें है ये, तमिल भाषा की। तो सबसे पहले तोलकप्पियम सेकेंड संगम में ये बना था।
फर्स्ट संगम में क्या हुआ था, पहला संगम में क्या हुआ था, हमें बहुत इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सेकंड संगम के बारे में हमें पता है। उसमें एक ही बुक के बारे में ज्ञान है हमें, वो है तोलकाप्पियम, ठीक है। सॉरी, फिर तीन और है साहित्य, जिसमें एटुटुगाई, पट्टू पट्टू, पथ्यान किल्कनाकु, ये देखिए तीन, तो ये आपकी चार, पथिनेन निकान नक्कु, ये चार बुके हैं जो आपको इस समय में, इस एरा में आपको देखने को मिलता है। देखिए, ये तो साहित्य था, वैसे ही हम देखेंगे दो महाकाव्य का गठन हुआ था, जैसे महाभारत और हमारे उसमें हुआ था ना दो महाकाव्य, महाभारत और रामायण, वैसे ही साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, भारत में आप जाते हैं तो दो तरह के महाकाव्य हैं दोस्तों। एक है शिल्पाधिकरम और मणि मेघलाई, देखिए शिल्पाधिकरम और मणि मेघलाई, ये दो तरह के महाकाव्य है, एक है शिल्पाधिकारम और मणि मेघलाई। और देखिए ये है क्या, जैसे हम रामायण में कहानी है ना भगवान राम के बारे में, रावण के बारे में, सीता जी के बारे में, वैसे ही इनकी भी देखिए शिल्पाधिकारम में कहानी है, स्टोरी है। देखिए इनको लिखने वाला था एलांगो एदिगाल और इसको लिखे थे शीतलाई सितनार, ठीक है। तो ये भी जो है ना स्टोरी टेलिंग है, ये भी क्या है, ये कहानियाँ हैं। अब कहानियाँ किस रूप में हैं थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, अभी कहानी थोड़ा सा समझाऊंगा, उससे पहले हम देखते हैं। देखिए दो तरह की टेक्स्ट बुक होती है, एक होती है नरेटिव और एक डिडक्टिव। तो ये क्या होता है, देखिए होता क्या है ना, जैसे स्टोरी जो बताई जाती है ना, स्टोरी जो बताई जाती है, जैसे आपकी कहानियाँ जो बताई जाती है, वो नरेटिव टेक्स्ट होता है और दूसरा होता है डिडक्टिव। तो इसमें क्या होती है ना, इसमें क्या होती है ना, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो उस समय की राजाओं का जो कोड ऑफ कंडक्ट था, उनकी स्टाइल, उनकी जो क्या क्या राजाओं के पालन करना चाहिए लोगों के लिए, तो इसमें डिडक्टिव था और नरेटिव। देखिए नरेटिव टेक्स्ट जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है इटुटुगाई, पट्टू पट्टू और ये पथिनेन किल्कनाकु, ठीक है। इन तीनों को क्या कहा जाता है, नरेटिव टेक्स्ट और डिडक्टिव टेक्स्ट जिसको बोला जाता है, वो है देखो तिरुकुलर एक बुक है तिरुवालुवर का, ठीक है ना। इस बुक को नरेटिव, ये क्या होती है आपको बताया, ये जो टेक्स्ट होती है वो स्टोरी टेलिंग के लिए होती है, मतलब कहानियों के लिए, और इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है दोस्तों। तो ये है, ठीक है ना। अब देखिए जो किताबें आप उस उत्तरी भारत से आप इमेजिन कर सकते हैं, देखिए साहित्य बहुत खतरनाक चीज़ होती है दोस्तों। मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी चीज़ का बदलाव होता है ना, साहित्य, ये लेखन का जो है ना पावर, शक्ति बहुत खतरनाक होती है। देखिए कितने बड़े बड़े लेखकों ने पूरी की पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया, बड़े बड़े लेखक के बारे में। तो लेखन जो होती है ना, वो आप समझ जाइए कि ये दुनिया के सबसे बड़ा हथियार है, लोग इसको समझते नहीं हैं। लिखना, देखिए आप किसी को गोली और बंदूक से नहीं डरवा सकते जितना आप लेखन से डरवा सकते हैं। लोग डर जाते हैं, सरकारें की सरकारें डर जाती है, इतना खतरनाक होता है साहित्य। और ये देखिए साहित्य, हम दक्षिण भारत के साहित्य के बारे में नहीं जानते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये साहित्य क्या है, हमको समझना होगा। और कैसे समझना होगा, ये देखिए संगम में आपको समझाया जा रहा है दोस्तों। तो कितने, ये जो चार साहित्य है, ये अलग अलग साहित्य है, ये ग्रामर की किताबें हैं तोलकाप्पियम, दूसरा है एटुटुगाई, ये पट्टू पट्टू। तो ये सब चीज़ें है ना, इसमें बहुत सारे पोएम पोएट्री है, हाँ इसमें कवियों ने अलग अलग अपने योगदान दिया है, उसी संगम एरा में ये सब बने थे। मैंने आपको बताया था ना सेकेंड संगम में क्या बना है, तोलकाप्पियम बना है दोस्तों। अब देखते हैं, देखिए एक बहुत सी छोटी सी कहानी है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इस समय की। देखिए जो शिल्पाधिकरम है ना, शिल्पाधिकरम, ये शिल्पाधिकरम जो है ना, ये महाकाव्य है साउथ इंडिया का, और मणि मेघलाई, ये दोनों के दोनों महाकाव्य है। इनके बारे में हम थोड़ा सा, बहुत रोचक कहानी है दोस्तों। देखिए यदि लव स्टोरी के हम लोग ना, लव स्टोरी के बारे में हीर रांझा, रोमियो जूलियट की कहानी सुनते हैं, अरे वो सब कहानियाँ छोटी मोटी है दोस्तों, ये कहानियों से आप इमेज ही नहीं कर सकते ये कहानी है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं तो हमको मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ये स्टोरी सुनाना चाहूँगा, कितनी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। देखिए कालिदास की एक, तो कालिदास की एक
किताब है मालविका अग्निमित्रम। ये हम लोगों को जानना चाहिए, इन किताबों के बारे में इन लोगों के जानकारी होना चाहिए। ये है मालविका अग्निमित्रम, यह भी लव स्टोरी है। हाँ, अग्निमित्रम ये ना पुष्पमित्र सुंग के बेटा थे और मालविका उज्जैन की बेटी थी। इनके बीच के जो प्रेम को दर्शाता है कितना बढ़िया कालिदास ने, ये मार्वल मास्टरपीस है। वैसे ही शिल्पातिकरम, देखिए क्या कहानी है इसकी। इसमें ना तीन करेक्टर आते हैं दोस्तों, एक है कोवलम, दूसरा आती है देखिए दोस्तों, ये तीन लोगों की करेक्टर है इसमें, कोलम, कोनाकी, ये कोनाकी हैं और माधवी की कहानी है। ये बहुत खूबसूरत कहानी है, प्रेम स्टोरी है। देखिए ये ना चोला एम्पायर में, चोला राज में, जो साउथ का हमने चोला देखा था। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैप आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए ये चोल वंश था, चोला, ये है पांड्या, और ये है चेरा। देखिए ये चोल और पांड्या राज्य की ये कहानी है। चोल के वंश में, चोल के राज्य में ये कोलन और कनाकी जो थी ना, वो कोलन एक व्यापारी थे और ये जो कनाकी थी उनकी वाइफ थी, बहुत सुंदर वाइफ थी। तो ये क्या हुआ ना कि व्यापारी ने शादी किया कोलन और ये दोनों बड़ी खुशी से अपने घर चला रहे थे। कुछ दिन बाद दोस्तों हुआ क्या कि इनकी नज़र पड़ी एक पांड्या की, ये नृत्य करने वाली थी, नृत्य ये करती थी माधवी। इन पे ना कोलन की नज़र पड़ी और दोस्तों ऐसी नज़र पड़ी, ऐसा मोहब्बत हुआ कि इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को इन्होंने छोड़ दिया। और इसके छोड़ने के बाद हुआ क्या कि चले गए इनके साथ। तो ये जो माधवी थी, ये माधवी के साथ इन्होंने बहुत दिन तक रहे। इनके पास पैसे था, व्यापार के लिए बहुत सारे पैसे था, बहुत बड़े व्यापारी थे, इनके पास पैसों की कमी नहीं था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे माधवी के साथ रहते 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 पैसे इनके ख़त्म हो गया। पैसे ख़त्म होने के बाद माधवी ने क्या किया, इनको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, कोलन को छोड़ दिया। और दोस्तों आप देखिए कितनी कहानी रोचक है। छोड़ने के बाद हुआ क्या कि वो कोलन जो है लौट के अपने वाइफ के पास आते हैं और वाइफ के पास आने के बाद कहते हैं कि ये तो मतलब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म है, अब तो सब समाप्त है दोस्तों, ऐसी कहानी है। तो इनकी देखिए इनकी वाइफ क्या विचित्र औरत थी, मतलब वो कहती हैं कोई बात नहीं, ये राह देख रही हैं काफ़ी दिनों से इनके कोलन की। और उसके बाद होता क्या है कि ये दोनों इनको धांडत थोड़ा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब हम वापस से अपने परिवार को चलाते हैं। तो कोलन ने कहा कि नहीं, हम क्या करते हैं ना, जो चोल वंश में क्योंकि लोग जानने लगे थे, व्यापारी बहुत बड़े थे तो काफ़ी लोग जानते थे इनको, तो इन्होंने कहा कि चोल वंश को छोड़ के, इस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं जो जहां लोग जानते नहीं हैं। तो आप देखेंगे ना कि वहां से छोड़कर ये पांड्या मदुरई में, मदुरई के आसपास चले आए पांड्या राज्य में। तो वहां क्या हुआ ना कि इनके पास ना मतलब पहले के व्यापारी तो थे ही, तो इन्होंने उपहार दिया था अपने वाइफ को और पायल का उपहार था, तो दोनों लेफ्ट एंड राइट दो पैरों में होता है ना। तो क्या है ना कि हुआ क्या कि जैसे ही ये पहुंचते हैं और वहाँ पर क्या होता है, देखिए इनकी किस्मत कितनी ख़राब है कि वहाँ पर जाते हैं और पांड्या जो रानी थी, तो उनकी रानी की ना ये जो ना सेम जो रानी की थी और इनकी वाइफ की थी, जो देखने में ऐसा लगता है कि जो एक ही बंदे ने बनाया होगा, वो दोनों बारीक से एक ही जैसा था।
तो इनके पास पैसे की कमी थी, तो कोलन ने कहा कि अपनी वाइफ से कि हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं है, बिजनेस कैसे स्टार्ट, मतलब व्यापार को फिर वापस कैसे शुरुआत किया जाए। तो इनकी वाइफ ने कहा कि मेरे पास ये है, आप ले जाइए और इसको बेच दीजिए दरबार में। वहाँ अचानक हुआ क्या कि उनकी जो रानी थी ना, उनकी भी खोई हुई थी और पूरे राज्य में चर्चा थी कि जिसको मिले, जिसने चुराया है उसको बंदी बना के लाओ और मतलब इसको खोजो। तब तक ये क्या करते हैं कि ले जाते हैं व्यापारी को, दूसरे व्यापारी को देते हैं पैसे लेने के लिए, व्यापार के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन दोस्तों देखिए क्या होता है, इनको ही पकड़ के उठा के लेके चले जाते हैं और लेके चले जाते हैं, शाम तक राह देखती हैं और लेकर जाते ही नहीं दोस्तों, इनको मृत्यु दंड दिया जाता है। ठीक है, तो मृत्यु दंड दे दी जाती है राज दरबार में और हो भी जाता है। शाम तक इनकी वाइफ जो है ना देखती रहती हैं कि आए नहीं, आए नहीं, ये गए हैं बहुत सुबह से ही, नहीं होता वाइफों का तो ये आप समझते ही हैं, घर पे सुबह से गए हैं रात तक आए नहीं। तो ऐसा ही हुआ उनको, तो वो गए दरबार में और दरबार में राजा से कहा कि पता चला कि इनको उठा के लेके गए राजदरबारी, राजदरबार में गए, वहाँ पे पता चला कि मृत्युदंड। तो ये इतनी मतलब ये इंद्रदेव ये बहुत पूजा करती थी देवताओं की, तो इतनी आप समझ सकते हैं ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो पति ने छोड़ा फिर भी उनके साथ दे रही हैं। तो ये गई और अपने बालों को ऐसे खोल दिया और शराब देने लगी कि ये देखिए। अब ऐसा है ना दोस्तों, जिनके पास एक है, एक बेचने के लिए गया तो उसके पास दो तो होगा ही, और एक खोया हुआ है और एक रानी के पास है, इसका मतलब ये है कि दो जोड़े हैं। ऐसा तो है ना कि ऐसे तो पता चलता है, क्योंकि एक रानी के पास था, एक तो खोया हुआ था और एक तो इनकी वाइफ के भी पास था, दूसरा ये गए थे इसको बेचने के लिए। तो बोले कि नहीं ये तो हमारे पास था, दूसरा दिखाया। राजा के तो वहीं हार्ट अटैक हो गई, राजा तो वहीं चल लिए, वहाँ पे चल लिए राजा। अब ये हुआ कि कनकी जो है कि उन्होंने श्राप दिया, काफ़ी श्राप देने लगी। वहाँ पे देखेंगे कि इनके श्राप के चलते एकदम पांड्या राज्य में भयानक आंधी तूफान, मतलब आप समझ जाइए कि सब बर्बाद हो रहा था। ठीक है, फिर राजा सारे के सारे देवता आए इनके पास और इनको मनाने के लिए। फिर इन्होंने बाद में क्या किया ना, ये चले गई पहाड़ियों पे और पहाड़ियों पे जाके इन्होंने, और ये देखिए देवी की पूजा होती है इनकी, कोनकी की देवी पूजा होती है साउथ में, बहुत सारे जगह पे मंदिर हैं इनकी। ठीक है, ये कहानी थी शिल्पाथिकरम का, और दूसरी कहानी थी मणिमेघलाई, ये उसके बाद की कहानी है जिन्होंने शीतलाई ने लिखा था, उसके बाद की कहानी। उनकी एक बेटी थी इनकी कावलन और कोनकाई की, जिनका नाम था मणिमेघलाई, उनकी कहानी है कि ये शादी करने जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उसके बाद ये क्या करने गए थे शादी करने के लिए, शादी करते समय इनको याद आता है कि ये सब मोह माया है, मोक्ष है, इसे पाल लगा लो, और ये निकल जाती हैं, निकल के और वहाँ पे जाती हैं और ये पहाड़ों पे ये भी चली जाती हैं। तो ये आप देखिए ये कितनी रोचक कहानियाँ हैं, इतनी भयानक कहानियाँ हैं, जो ये पढ़ने के बाद पता चलता है कि यार ये क्या है सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये अलग ही दुनिया में लेकर जाता है दोस्तों, और यही है संगम की आपकी ये लिटरेचर। ठीक है, तो इसको याद करके रखना है। ठीक है ना, यहीं से हमें चोला चेरा और पांड्या के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, यल्ली चोरा के चोला के बारे में, पांड्या के बारे में उस समय, और चेरा के बारे में, तो यहाँ से संगम लिटरेचरों से हमें पता चलता है अलग अलग टाइप के लिटरेचर है, और ये एक महाकाव्य है, ये साहित्य है, बहुत भयानक साहित्य है दोस्तों। तो देखिए आज संगम खत्म हो गया, आगे की कहानी आपको चोलवंश में लेके जाएंगे, जहाँ पे करिकाल चोला के बारे में, चेरा और पांड्या के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम चोला के ख़त्म कर रहे हैं, ये पूरी की चोला सीरीज है, तो आगे के मेडिवल चोला देखेंगे, फिर लेटर चोला देखेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।